जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बिहार प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से हम भरपूर का स्वागत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अजय सिंह। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज बड़ी बैठक बुलाई गई है, राष्ट्रीय कार्य समिति की और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम देश भर के जो डेलीगेट्स हैं वो पहुंचे हैं। और वहीं बात करें तो संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सुजभान सिंह हैं, वो उन्होंने फिर से केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया है और ऐलान किए हैं, और जो तमाम सांसद हैं उन्होंने भी समर्थन दिया है। क्या कुछ करें, पहले सुनो उनकी बातों को। सभी जिला अध्यक्ष जी, मैं सभी को पहले ये कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आज प्रक्रिया के हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना जाता है, इसलिए मैं पुनः आदरणीय पारस जी को फिर से समर्थन करता हूं। आप लोग प्रस्ताव देता हूं, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी अमर रहे, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी अमर रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय पशुपति पारस जी जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय पशुपति पारस जी जिंदाबाद जिंदाबाद। चंदन सिंह और प्रिंस राज जो सांसद हैं उन्होंने समर्थन दिया, और जो सुजभान सिंह हैं वो ऐलान किए हैं कि फिर से जो पशुपति कुमार पारस हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का। और वहीं बात करें तो जिस तरह से कहें तो आज कार्य समिति की और जो परिषद की बैठक बुलाई गई है, तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। और देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव है तो क्या कुछ ऐलान किया जाता है, वो भी हम आप तक खबरें पहुंचाएंगे। इस तमाम खबर बने रहे न्यूज़ 4 के साथ। नमस्कार।